स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। पिछले क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ाई करी थी, आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्लास 8 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर में आता है फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर में, ठीक है। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखना और अच्छे से कोशिश करनी है आपको पूरे लेक्चर को समझने की। तो फोर्स हो चुका था, प्रेशर स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट एक्चुअल में कुछ नहीं होते, थ्रस्ट क्या है, तो थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है। देखो फोर्स बहुत तरह से लग सकते हैं सरफेस में, ठीक है। फोर्स जो है वो सरफेस पे बहुत तरह से लग सकते हैं। तो अगर कोई फोर्स जो है परपेंडिकुलर है सरफेस के परपेंडिकुलरली, मतलब ऐसे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसी को बोल दिया गया थ्रस्ट। थ्रस्ट कुछ भी अलग ऐसा मत सोचना दैट थ्रस्ट एक अलग टाइप का क्वांटिटी, नहीं। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर आपको लिखना है दैट व्हाट इज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज बेसिकली फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लिख दो थ्रस्ट इज फोर्स परपेंडिकुलर का सिंबल टू द सरफेस। बहुत ही आसान, फोर्स इज थ्रस्ट इज द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मली लिख देना है। नेक्स्ट इज योर प्रेशर। प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रेशर जो डिफाइन किया जाता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को जब आप एरिया से डिवाइड करते हो, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू से अगर फोर्स को डिवाइड कर दिया जाए तो आपको मिल जाता है प्रेशर। जैसे सपोज यहाँ पर दो डायग्राम मैंने बनाया है, तो इस डायग्राम में ध्यान से देखना दैट ये जो नीडल शेप्ड में ये जिस सरफेस पे एक्ट कर रहा है उसका एरिया बहुत कम है ना। जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो एरिया बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो है इतना एरिया में ये एक्ट कर रहा है, इस एरिया में ये एक्ट कर रहा है। तो इस एरिया में जब ये एक्ट कर रहा है तो इसका एरिया जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है सरफेस के साथ ज़्यादा आ रहा है। तो प्रेशर एक्चुअल में आपको देखना होता है दैट फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो और साथ ही साथ एरिया कितना है। अगर आप इसकी रेशियो कैलकुलेट कर दोगे ना तो आपको सिंपली जो है वो प्रेशर की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं करनी है, ठीक है। तो प्रेशर निकालना है, फोर्स देखो कितना है और एरिया देखो कितना है, दोनों डिवाइड कर दो। तो देखो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है आपका, ये जो डायग्राम है इसमें एरिया काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस वजह से प्रेशर जो फील होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होगा। लेकिन इस केस में आप ध्यान से अगर देखो तो एरिया आपका कुछ ऐसा अच्छा खासा एरिया जो है फैला हुआ है, जो सरफेस को जाके मार रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इस वजह से इस केस में आपको प्रेशर थोड़ा मीन्स कम मिलेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो कहने का मतलब हुआ कि एरिया के कम होने पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। तो मैं जैसे सपोज करो कि फोर्स तुम्हारे पास है, इफ़ फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन एंड एरिया इज इक्वल्स टू सपोज करो 2 मीटर स्क्वायर, और एक अलग कंडीशन में फोर्स सेम रख रहे हैं, फोर्स जो है वो सपोज करो 5 न्यूटन ही है, दोनों में सेम है फोर्स 5 न्यूटन 5 न्यूटन, लेकिन एरिया हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो इसके इसमें प्रेशर निकालो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आपका आ गया 5 न्यूटन, एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कह सकते हैं। और ये प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया दैट इज 5 पास्कल। अब देखो तुम ध्यान से देखो दैट के तुम्हें यहाँ पर दिखेगा कि तुमने एरिया को जब हाफ कर दिया, एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, एरिया 2 था पहले, अभी एरिया 1 है। तो जब तुमने एरिया को हाफ कर दिया तो तुम्हारा प्रेशर डबल हो गया, 2.5 से हो गया है 5। कहने का मतलब कि एरिया के बढ़ने या घटने पर प्रेशर तो चेंज हो गई, लेकिन अगर एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। जैसे कि यहाँ पर एरिया जो है कम है, काफ़ी कम है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। इस केस में आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इस तरह से प्रेशर और एरिया में आपको रिलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है दैट इफ़ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक फोर्स तो तुमने लिया 2 न्यूटन का, उसे लगाया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, पर प्रेशर निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन, सिंपल क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, प्रेशर अगर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया करना होगा। फोर्स भाई दिया हुआ है ना, फोर्स 2 न्यूटन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आएगी ना जब तुम्हें ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अभी सेंटीमीटर में तो हमने नहीं लिखा था, यहाँ हमें फोर्स को न्यूटन में लिखना है, एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखना है, समझ रहे हो। तो एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखने के लिए तुम्हें सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं हम लोग,
तो इसके लिए ध्यान से देखो दैट कि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये 1/100 नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना है सेंटीमीटर, तो इस वजह से जब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करोगे ना, तो 2 × सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 × 1 सेंटीमीटर की जगह पे 1/100 मीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर की जगह पे 1/100 मीटर, तो ये चेंज हो गया तुम्हारा 2/100,000 मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को तुम रख सकते हो वहाँ पर, क्योंकि न्यूटन और मीटर स्क्वायर में तुम्हें रखना है, प्रेशर को न्यूटन में और फोर्स को न्यूटन में और एरिया को मीटर स्क्वायर में रखना है। तो फोर्स तो हो गया 2 न्यूटन, अभी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 2 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1,000,000, तो ये आ गया आपका 2, 2 ख़त्म हो गया, तो 1,000,000 पास्कल, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को तुम घर पे सॉल्व करना और देखना तुम्हारा आंसर क्या आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग चलते हैं आगे, दैट वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या है, व्हाट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर। सो वेरिएशन ऑफ प्रेशर समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो। जैसे कि मैंने बताया कि सेम फोर्स अगर है, सेम फोर्स है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था ना अभी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 न्यूटन का, यहाँ 5 न्यूटन का, ये फोर्स सेम था, लेकिन एरिया यहाँ ज़्यादा है या कम है, तो एरिया ज़्यादा होने पर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और एरिया कम होने पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, दैट की इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स डिक्रीजेस द प्रेशर, मतलब एरिया में इंक्रीज करने से प्रेशर घटता है, एरिया में इंक्रीज करने से प्रेशर घटता है। और एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा देखा है, जैसे कि मान लो आप फल काटना है, तो अगर आपको फल काटना है तो उसके लिए आप चाकू यूज़ करोगे, नाइफ़ यूज़ करोगे, तो नाइफ़ के केस में क्या होता है कि जो नाइफ़ होता है बहुत शार्प होता है, मतलब नाइफ़ का जो एरिया है, जिस एरिया को आप कॉन्टेक्ट में लेकर के जाओगे वो काफ़ी ज़्यादा कम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक होगा, और नाइफ़ को जैसे ही आप फोर्स दोगे ना तुरंत आराम से सब्जियाँ जो है कट जाएंगी। उसके बाद आता है एग्जांपल दैट कैमल्स जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से सैंड पे, डेजर्ट पे वॉक कर सकते हैं, तो इसका क्या रीज़न है। तो देखो कैमल्स के केस में क्या होता है कि उनके जो फीट होते हैं, जो उनके हूफ होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, तो ब्रॉड होने की वजह से एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब अगर आपका एरिया बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स कि आपका वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो धंसेंगे नहीं, प्रेशर ज़्यादा होने पे धंसते ना, लेकिन वहाँ पर एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो गया, तो वो धंसेंगे नहीं जल्दी सैंड में, डेजर्ट में, और आराम से वो जो है चल पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्कल का डेफिनेशन। अभी पास्कल क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया दैट कि प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया है, उसका SI यूनिट पास्कल होता है। ठीक है, प्रेशर जो है उसका SI यूनिट जो है पास्कल होता है। तो बहुत बार लोग पूछ देते हैं कि आप 1 पास्कल को डिफाइन करो, तो बहुत आसान तरीका है याद रखने का, ध्यान से देखना दैट कि आपने फॉर्मूला तो लिखा है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को लिखना है न्यूटन में, तो मान लो कि हम लोग फोर्स ले लेते हैं 1 न्यूटन और एरिया ले लेते हैं मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 पास्कल। कहने का मतलब कि इफ़ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड एरिया इज इक्वल टू, एंड एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, देन प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल। यही मतलब है ना इसका, यही मतलब है। तो इससे ये पता चला दैट कि हमने 1 पास्कल को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, ध्यान से आप डेफिनेशन को पढ़ो, अब तुम्हें समझ आएगा दैट कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बाय अ थ्रस्ट या फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। मीन्स अगर फोर्स 1 न्यूटन है और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो हमारा प्रेशर जो है वो 1 पास्कल होता है। यही 1 पास्कल के डेफिनेशन में भी आपको क्या करना है, लिख देना है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है, बहुत सारे और भी यूनिट्स होते हैं, तुम चाहो तो याद रख सकते हो, खैर तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ दैट ये वाली
और ये वाली, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर तुम नहीं भी याद रखो तो कोई बात नहीं। CGS यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी CGS का मतलब क्या है? तो CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इज दी CGS यूनिट। CGS यूनिट पूछा जाए तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना है, जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था ना, उसी तरह से डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देना, तुम्हारा CGS यूनिट जो है वो प्रेशर का आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के केस में प्रेशर जो है वो कैसा होता है, किस तरह से। फ्लूइड्स कहने का मतलब होता है आप चाहे लिक्विड लो या फिर गैसेस लो, दोनों में से कुछ भी लो, फ्लूइड्स आप दोनों को कह सकते हो। आप लिक्विड को भी फ्लूइड कह सकते हो और गैसेस को भी फ्लूइड कह सकते हो, आपकी मर्जी कि आप किसे क्या कहना चाहते हो, है ना। सॉलिड्स फ्लूइड्स के कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर आपके पास लिक्विड है या फिर गैस है तो दोनों एक तरह से फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पानी में डुबो देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बॉल है, इसको हमने पानी में डुबो दिया, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है, कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है, ये एक तो आपका जो दीवार है, शीशा है, शीशा जो वॉल है कंटेनर का, उस पर तो प्रेशर लगा ही रहा होगा, ठीक है। कंटेनर्स के वॉल पे प्रेशर लगा ही रहा होगा, परपेंडिकुलरली ऐसे प्रेशर ऐसे लगा ही रहा होगा। साथ ही साथ जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हो लिक्विड में, तो वो उसके भी सरफेस पे प्रेशर लगाता है। कहने का मतलब कि जो फ्लूइड्स होते हैं बच्चे, वो जो फ्लूइड्स होते हैं ना, फ्लूइड्स किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबो दो तो वो सरफेस जो होगा डूबे हुए ऑब्जेक्ट का, उसके सरफेस पे फ्लूइड अपना प्रेशर देता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है दैट फ्लूइड्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन ऑल बॉडीज इमर्ज्ड इन देम। फ्लूइड्स जो है हर उस बॉडी पे प्रेशर लगाएगा जो उनमें डुबाया हुआ है, एंड ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर, और कंटेनर के जो वॉल्स हैं जो फ्लूइड को ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं उस पे भी लगाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है बलून का, दैट बलून के अंदर जो गैस होता है वो भी फ्लूइड है, तो बलून के अंदर जो गैस है वो भी फ्लूइड है, तो उसका भी प्रेशर जो है बलून्स के वॉल पे इस तरह से देखने को हमें मिलता है। मतलब कि जो गैस है इस बलून के अंदर वो भी इस पे प्रेशर जो है ना इस तरह से अप्लाई करते रहता है। तो ये वॉल्स पे या बलून के सरफेस पे अंदर से एयर जो है वो, जो गैस है वो प्रेशर लगाते हैं। तो आपको समझ आया था प्रेशर किस तरह से हम लोग देखते हैं फ्लूइड्स में। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर कहने का क्या मतलब है? तो देखो, जब भी प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि ये जो डुबाया गया है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया जाता है, तो उसके चारों तरफ से फ्लूइड प्रेशर लगाता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से लगा रहा दूसरे तरफ से नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी या लिक्विड में या गैस में डुबो दो तो वो जो सरफेस है उस ऑब्जेक्ट का, उसके चारों तरफ से फ्लूइड जो है वो प्रेशर लगाएगा। कहने का मतलब इधर से भी, 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 और हर तरफ से जो है ना फ्लूइड इसके सरफेस पे प्रेशर जो है वो लगाता है। आई बात समझ में? तो ये पहला लॉ है लिक्विड प्रेशर में। तो ये आराम से आप याद रख सकते हो क्या, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोया जाए या फ्लूइड में या लिक्विड में डुबोया जाए, तो उसमें जो सरफेस होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसके चारों तरफ से फ्लूइड जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है। नेक्स्ट आपका है कि अगर कोई पानी के अंदर या लिक्विड के या गैस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डुबाया हुआ है और उसके पैरेलल, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, तो ये जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उस पर प्रेशर सेम होगा। जैसा कि एग्जाम्पल्स में यहाँ देखो दैट कि ये वाली जो बॉल देख रहे हो यहाँ पे, ये जो बॉल है, और आपके पास एक बॉल और है, और वो वाली जो बॉल है वो ये है। ये दो बॉल्स जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये एक कंटेनर है जिसमें मैंने पूरा पानी भर रखा है, ठीक है, ऐसे मान लो कि इस तरह से पूरा कंटेनर को भर रखा है। तो जो दो बॉल्स आपके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, दो जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, इनमें जो प्रेशर लगेगा वो सेम होगा।
उसी तरह से यहाँ पर ये जो दोनों बॉल्स हैं ये भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो इनमें जो प्रेशर लगेगा लिक्विड के द्वारा वो सेम होगा। तो कोई भी बॉल जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेगा उस पर लिक्विड जो या फ्लूइड जो प्रेशर देगा वो सेम देगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे प्रेशर हमारा बढ़ेगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मान लो एक कंटेनर है, उसमें पानी भर दिया और वहाँ पर हमने तीन होल्स जो है बना दिए। तो जब आपने तीन होल्स बना दिए हैं तो सबसे नीचे जो होल है ना उससे जो पानी निकलेगा वो बहुत दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना नीचे जा रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो जितना डेप्थ में जाएंगे, मीन्स प्रेशर एट सी इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट बी इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, जितना नीचे जाएंगे हम लोग प्रेशर हमारा उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसका कहने का मतलब कि सी पे सबसे अधिक प्रेशर है तो इससे जो फव्वारा निकलेगा वो सबसे दूर तक जाएगा, इसीलिए ये स्ट्रांगेस्ट जेट है। और वीकेस्ट वाला जो सबसे ऊपर जो होल बनाया हमने उससे जो पानी निकल रहा है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर जो कम है, जितना ऊपर हम लोग जा रहे प्रेशर कम हो रहा है, जितना नीचे जाते हैं प्रेशर हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। जैसे कि देखो एक फार्मूला है, या फिर मैं पहले एग्जांपल ही आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो एक कंटेनर आपने लिया और एक कंटेनर में आपने ले लिया है हनी। क्या ले लिया है? हनी। जैसे कि ये जो कंटेनर आप देख रहे हो ना, इस कंटेनर में आपने ले लिया है हनी और दूसरे वाले कंटेनर में आपने ले लिया है वाटर। दो कंटेनर है आपके पास, दोनों में पानी नहीं है, एक में हनी है और दूसरे में पानी है, और दोनों का जो लेवल है वो सेम है, दोनों जो कंटेनर है वो डिक्टो एकदम सेम है। तो ये वाली में हनी है और उधर वाले में, मान लो इसमें हनी है और उसमें वाटर है, दोनों का हाइट जो है वो सेम है, जितना हाइट तक भरा हुआ है ये हाइट सेम है। आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रेशर एट द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या दोनों जगह पर प्रेशर सेम होंगे? आप बोलोगे सर दोनों में तो सेम हाइट तक भरा हुआ है तो प्रेशर तो सेम ही होना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में प्रेशर जो वेरी करता है डेप्थ के साथ उसका फॉर्मूला होता है एच इंटू डी इंटू जी। यहाँ पर जैसे मान लो कि आपको हाइट पता है, ये वाली हाइट है 10 मीटर, आपको डेंसिटी पता है, मान लो कि डेंसिटी जो है 1000 है केजी पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका प्रेशर जो है वो आ जाएगा 3 to 5, 10 to the power 5 पास्कल, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो ये प्रेशर आपका आ जाता है अगर आपको हाइट पता है, लिक्विड की डेंसिटी पता है, फ्लूइड की डेंसिटी या फिर जी की वैल्यू पता है, ये तीनों अगर आपको पता है तो आप किसी भी डेप्थ में बता सकते हो कि प्रेशर कितना उस लिक्विड के कॉलम की वजह से लग रहा होगा। तो जैसे अगर आप बात करूँ कि आपने हाइट सेम रख दी, आपने क्या किया, आपने हाइट सेम रख दिया, आपने जी की वैल्यू तो सेम रखनी है बिकॉज अर्थ पे वो डिपेंड करेगी। तो अगर डेंसिटी सेम ना हो लिक्विड्स की, जैसे कि यहाँ पर हनी है यहाँ पे वाटर है, हनी की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी वाटर के रेस्पेक्ट में, तो हनी ज़्यादा डेंस है, तो अगर मान लो हाइट सेम रख भी दिया तो क्या ए और बी पे प्रेशर सेम होगा क्या? नहीं ना, प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेशर एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। अगर लिक्विड्स अलग अलग हैं और डेप्थ सेम है कि हमें इतने डेप्थ में प्रेशर चाहिए, तो भी जाकर के आप प्रेशर सेम नहीं लिख सकते, प्रेशर आप सेम नहीं लिख सकते, क्योंकि डेंसिटीज जो है वो अलग अलग हो जाएंगी और प्रेशर निकालते टाइम आपको फॉर्मूला में डेंसिटी लिखना पड़ेगा। तो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसी की प्रेशर जो है डेप्थ पे ज़्यादा होगी। ओके, ये हो गया लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर आपका, ये थर्ड था आपका। ठीक है, तीन मैंने बताए। अब जैसे फोर्थ पे आ जाओ, दैट पास्कल्स लॉ क्या होता है। सिंपल ऐसे सोचो दैट कि कोई बॉटल ले लो और इस बॉटल में बहुत सारा छेद बना दो और सारे सेम लेवल पे बनाओ, देखना जो उससे पानी बाहर आएगा ना वो सब सेम रेट से बाहर आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी इनक्लोज्ड कंटेनर में आप प्रेशर का चेंज करो, जैसे कि ये कंटेनर बंद है इसमें पानी है, अब हमने क्या किया कि हमने प्रेशर को जो है किसी एक पॉइंट पे चेंज किया, मान लो कि इस पॉइंट पे चेंज किया और हमारे पास तीन अलग अलग पॉइंट है ए बी और सी, तो जितना चेंज आपको इस पॉइंट पे मिलेगा वही चेंज आपको ए में भी मिलेगा, वही बी में भी मिलेगा, वही सी में भी मिलेगा।
कहने का मतलब कि जब भी किसी इनक्लोज्ड कंटेनर में आप प्रेशर को चेंज करते हो तो वो प्रेशर किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे कंटेनर में इक्वल अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने प्रेशर मान लो इस जगह पर 2 पास्कल बदल दिया या बढ़ा दिया, 2 पास्कल प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो वही प्रेशर जो है ए पे भी बढ़ जाएगा, वही सेम प्रेशर बी पे भी बढ़ जाएगा, वही सेम प्रेशर सी पे भी बढ़ जाएगा। मतलब इस पूरे कंटेनर में अगर बात करो तो एक पॉइंट पे प्रेशर 2 पास्कल बढ़ाया था, वो पूरे कंटेनर में कहीं भी मेजर करो तो वो 2 पास्कल का प्रेशर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। यही होता है पास्कल्स लॉ। मीन्स इन एन इनक्लोज फ्लूइड या कंटेनर इफ प्रेशर इज चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड एंड डिमिनिश्ड थ्रू आउट द पार्ट टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड्स। आई बात समझ में? तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मान लो आपके पास इस तरह से एक कंटेनर है, ठीक है ना। इस तरह से एक कंटेनर यहाँ पर ले लो ऐसे, और यहाँ पर जो है पिस्टन लगा हुआ है जिसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ होल्स बना दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ होल्स बना देता हूँ, जैसे कि एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ और एक यहाँ पे। अब इसको क्या करता हूँ ना कि इसको मैं पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ, एक ऐसा पाइप, फिर एक ऐसा पाइप सेम हाइट तक, फिर यहाँ पर एक ऐसा पाइप सेम हाइट तक, और एक और इधर से आया सेम हाइट तक, सेम ऊंचाई तक, सबको सेम लेवल पे रखा। ये पूरा भर दिया मैंने, पूरा पूरा भर दिया इसको, पूरा भर दिया प्रेशर पानी से, पूरा भर दिया इसको। अब देखो, अब सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग इसको पुश करेंगे तो प्रेशर जो है इस जगह पर बढ़ेगा, प्रेशर जो है इस जगह पर बढ़ेगा। यही सेम प्रेशर हर जगह बढ़ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर जगह पर सेम प्रेशर जो आपने इस जगह पर बढ़ाया था वो सारा प्रेशर यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा। तो इससे पानी बाहर आने लगेगा, इससे पानी बाहर, आप क्या देखोगे, सारे से सेम हाइट तक पानी बाहर आएगा, सारे से सेम हाइट तक पानी जो है वो बाहर यहाँ पर निकलता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आई बात समझ में आपको, दैट कि प्रेशर जो है वो एक जगह बढ़ा था लेकिन वो हर जगह बढ़ करके फैल जाता है, सेम मात्रा में फैलता है। तो जितना प्रेशर इस पॉइंट पे ए पे बढ़ा उतना ही बी पे बढ़ेगा, सी पे बढ़ेगा, डी पे बढ़ेगा और ई पे बढ़ेगा। इस वजह से पानी बाहर आने लगेगा और पानी का जो बाहर आने का जो हाइट होगा वो सेम होगा, और उससे हम लोग पता करेंगे दैट कि प्रेशर हर जगह पर सेम बढ़ा था। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड आप इसी तरह से चैनल को देखते रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।